हाल ही में सोशल मीडिया पर दो वीडियोस इस दावे से वायरल हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित अंजुमन ए इस्लाम मदरसा के छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या है इन वीडियोस की सच्चाई? असल में बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहे हैं बल्कि साबिर सर जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया था। अंजुमन के कमिटी सचिव ने प्राचार्य पर रुपए गबन करने का आरोप लगाया था और उन्हें प्राचार्य पद से कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया था। इसी सिलसिले में स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल के समर्थन में प्रदर्शन निकाला था, जहां उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि साबिसर जिंदाबाद के नारे लगाए। मंदसौर पुलिस ने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में चल रहे दावे बिल्कुल गलत हैं। आज मंदसौर में जो खानपुरा क्षेत्र है वहाँ पे एक मदरसे का विवाद था, अंजुमन इस्लाम का मदरसा है, वहाँ पे एक साबिर शाह है, जो साबिर सर है, जो कि उस प्राचार्य हैं और जो पूरे मदरसे के कुछ संचालित करते हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी और इनका कुछ विवाद था। इस संबंध में सचिव कुछ लोगों के साथ वहाँ पे गए थे तो बच्चों को वहाँ पे ऐसा लगा कि उनके सर को उनसे अलग कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा बच्चों के द्वारा साबिर सर जिंदाबाद, साबिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो वो सोशल मीडिया में उसको ऐसा प्रचारित किया गया था कि या दूसरे संगठनों के द्वारा जो बताया गया उस वीडियो को कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे, तो प्रथम दृष्टया हमने उसमें फोरेंसिक रूप से वो वॉइस लिपसिंग के द्वारा उसको स्लो मोशन में चला के देखा कि वो साबिर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया में किए गए दावे कि मदरसा के बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गलत हैं।